रानी जी आपकी फैमिली हिस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही है, तो सुरेंद्र कपूर का बेटा होना आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री में कितना फायदेमंद था? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। एक तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो इससे काफ़ी वक्त भी बचता था और एक गुडविल जो उनकी बनी हुई है उसे मैं अपना लेता था। कभी आपका हीरो जो बनने मेरे का ख्याल हिस्से नहीं आया? सॉरी, कभी आपका हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? खैर ख्याल इतना पूरी तरह नहीं आया था, कुछ कुछ आया था, बट क्योंकि अनिल का ख्याल मेरे से ज़्यादा पक्का था तो मुझे बैक सीट लेनी पड़ी, और उस ख्याल को पूरा करने के लिए किसको पीछे भी रहना ज़रूरी था। ये आप समझ गए कि फिल्म में असली हीरो प्रोड्यूसर ही है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक प्रोड्यूसर से ये सवाल करूंगा कि वो अपनी सारी फिल्में अपने ही परिवार वालों को ध्यान में रख कर क्यों बनाते हैं, सोचते हैं? खैर क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने परिवार रिलायबल होता है। तो अनिल और संजय को अपनी फिल्मों में लेने में आपको ज़्यादा फायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा ही हुआ है, और मेरी आज तक जितनी फिल्में बनी हैं, आई सिंस अनिल एंड संजय हैव स्टार्टेड देयर कैरियर्स, इनफैक्ट मी एंड अनिल स्टार्टेड अ कैरियर्स टुगेदर। इनिशियली मेरे साथ प्रोडक्शन में मेरा हाथ बटाता था, फिर वो हीरो बना। हम पांच मेरी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी, ऑफ कोर्स वी हैड आर फैमिली कंसर्न, दैट बैकिंग वाज ऑलवेज देयर, बट द इंडिपेंडेंट वेंचर वाज हम पांच एंड अनिल हेल्प मी, ही वाज विद मी इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी डिपार्टमेंट ही प्रोवाइडेड हिज इनपुट। उसके बाद जब वो सात दिन बनाई तो मैं प्रोड्यूसर था और वो हीरो था, तो वहाँ पे भी एक दूसरे का हमने हाथ बटाया और फिल्म काफी सराही गई। जी हाँ, अच्छी अप्रिशिएट हुई, अनिल का काम सबको पसंद आया, तो ये फायदे की बात थी। मिस्टर इंडिया और ज़्यादा फायदा बढ़ा, हम पांच भी फायदे वाली पिक्चर थी। उसके बाद रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम, ये दो फिल्में हैं जो मेरी नाकामयाब थी। अब इसमें अनिल का कोई कसूर नहीं है, ना प्रेम में संजय का कसूर। बनी यहाँ एक सवाल पूछूंगा, क्या रूप की रानी, चोरों का राजा में आप ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे ख्याल में इनसिक्योरिटी थी। हम उस कोशिश में जुटे रहे कि भाई कोई ऐसी एक ऐसा आइटम डाले जिससे कि ऑडियंस खुश हो जाए, तो उस प्रोसेस में चीज़ बढ़ती गई, चीज़ खिंचती गई, और ऑब्वियसली इट रीच्ड आउट ऑफ प्रोपोर्शंस बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। वी हैड नेवर डिजाइन्ड द फिल्म टू बी सच एन एक्सपेंसिव फिल्म। ये भी कहा जाता है कि बोनी कपूर जितने में फिल्म बननी चाहिए उससे कहीं ज्यादा में बनाते हैं, क्या ये सच है? देखिए, कोई मेरे बाप दादा मुझे विरासत में या विल के सहारे, मेरे पिताजी अब भी हैं, मेरे दादाजी का देहांत कुछ 7-8 साल पहले हुआ है, और किसी इल्म ने तो छोड़ गए थे। जी सॉरी, इल्म दे गए थे। हाँ, इल्म और गुडविल, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे तरफ से हमेशा यही कोशिश रही है कि कम से कम खर्च में और जल्दी से जल्दी पिक्चर बने। मैं वो सात दिन, हम पांच, लोफर, जुदाई, सिर्फ तुम में कामयाब रहा, जल्द से जल्द बनी, कम से कम खर्च में बनी। मिस्टर इंडिया भी जल्द बनी और जितना खर्चा लगना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा लग गया था। वहीं आपने मिस्टर इंडिया का जिक्र किया, तो क्या इस फिल्म से ही शेखर कपूर एक डायरेक्टर के रूप में उभरे, ये माना जाए? आप ये क्रेडिट लेंगे? देखिए, क्रेडिट मैं तो नहीं लूँगा। शेखर ने मिस्टर इंडिया से पहले मासूम बनाई थी, बल्कि जब मैंने शेखर को साइन किया लेकिन था, मासूम में कुछ ऐसा नहीं था जिसे देख के लगे कि वो एक बहुत, ये आपका ख्याल है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। ही इनफैक्ट आई, मैंने शेखर को साइन किया था जब वो मासूम के कुछ सीन उन्होंने मुझे सुनाए थे। बॉनी, लगता है आप क्रेडिट नहीं लेना चाहते और ये आपका बड़प्पन है। चलिए, मिस्टर इंडिया एक बिल्कुल एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह थी, तो इसमें मुगैम्बो का ख्याल किसको आया? इसका मैं पूरा क्रेडिट जावेद साहब और शेखर को दूंगा, बिकॉज ये इनिशियली सोचा जावेद साहब ने था और शेखर ने इसको निखारा, उसके मैनरिज्म्स को जो पूरा था, उसका बजाना, यू नो, ये करना, और मुगैम्बो खुश हुआ। ये जो डायलॉग जब अपना जावेद साहब ने लिखा था उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था, ये एक तकिया कलम बन जाएगा, आम लोग भी इसको यूज करने लगेंगे, कि जब भी कोई खुश होगा या कोई एक्साइटमेंट उसको दिखानी होगी तो कहेगा मुगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया में शेखर कपूर के बाद आपने आगे चलकर ब्रेक दिया सतीश कौशिक को, लेकिन वो आपको हिट नहीं दे पाए, तो क्या आप आज भी मानते हैं कि उनमें प्रतिभा है? बिल्कुल, इसलिए मैंने अपनी एक नई फिल्म हाल में शुरू की है सतीश कौशिक के साथ,
और ये मैं और अनिल दोनों मानते थे, इसीलिए उनको रामानायडू साहब की फिल्म मिली थी जो आप सब जानते हैं कि बेहद ही सक्सेसफुल रही। ये समझ लो कि हमारी किस्मत खराब थी कि रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम किसी कारण चलना पाई, और समवेयर वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और ये चीज मतलब कोई अजूबा नहीं है, बड़े से बड़ा फिल्म मेकर अपने कैरियर में नाकामयाब रह चुका है, बल्कि मैं समझता हूँ इट्स अ बून फॉर सतीश की इन हिज इनिशियल स्टेजेस ही सीन दिस काइंड ऑफ अ फिनोमिनल फेलियर। तो अब वो आगे जो बढ़ेंगे या आगे जो उनकी तरक्की होगी, उनको पूरा अंदाजा है कि फेलियर क्या होता है, जैसे मुझे पूरा अंदाजा है फेलियर क्या होता है। बानी जी, क्या आप एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं या सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं? क्या क्रिएटिवली आपका कुछ से होता है फिल्म में? ये सवाल आप मेरे साथ काम करने वालों से पूछा तो बेहतर रहेगा। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है अपने बारे में, मैं समझता हूँ कि मैं आई बिलोंग टू द क्रिएटिव प्रोड्यूसर कैटेगरी, एंड मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे वक्त मिलता है। टू डिवोट टाइम ऑन द क्रिएटिव फ्रंट, मैं पूरा अपने आप को मतलब एक हिस्सा समझ लेता हूँ अपनी फिल्म का, अपनी कोई भी फिल्म का, जितनी फिल्में मैंने आज तक बनाई हैं। किसी में ज़्यादा वक्त, किसी में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी में कम, दिस वेरीज, बट मैं समझता हूँ आई एम पार्ट ऑफ द यूनिट। वनी, अभी हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है सिर्फ तुम, जो आपने संजय को लेकर बनाई, क्या रिपोर्ट्स हैं इस फिल्म की, कैसी चल रही है फिल्म? इट्स वेरी सक्सेसफुल, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल, राइट फ्रॉम कन्याकुमारी टू अप नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एवरी कॉर्नर इट हैज डन वेरी वेल। इट्स नॉट अ शोले ऑफ कोर्स, इट्स नॉट अ कुछ कुछ होता है और हम आपके हैं कौन, बट इट इज बीन अप्रिशिएटेड, एक्सेप्टेड, एंड आई एम रियली ग्लैड। इन फैक्ट द सक्सेस, इस फिल्म की कामयाबी से मुझे जितनी खुशी हुई इससे पहले कभी नहीं हुई। तो क्या इस फिल्म से संजय का करियर चल निकलेगा? आई होप सो। सिर्फ तुम के बाद इमीडिएटली आएगी पुकार, जो कि कंप्लीट है, जिसका सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन काम बाकी है। इसमें कास्टिंग कौन-कौन? अनिल, माधुरी, डैनी, ओमपुरी। तो पुराना मैजिक रिक्रिएट कर रहे हैं अनिल और माधुरी दीक्षित के साथ? जी हाँ, मतलब कोशिश है कि पूरा टू रिवाइव देयर करियर्स मे बी, या एटलीस्ट लेट दिस बी देयर स्वैन सॉन्ग। बहुत हो, बहुत हो। इट इज अ फिल्म व्हिच इज वेरी डेयरिंग इन इट्स अप्रोच, इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। अनिल इज प्लेइंग अ पैरा कमांडो ऑफिसर, ही इज अ मैन ऑन duty for the country, for the nation. He is on a deadly mission in the film. And then we have a deadly love story too. Bani, aap to itne Rajkumar Santoshi is directing this film for us. He's written the script and I feel this is perhaps his best work so far. This is my opinion because I'm extremely satisfied with what I've seen. The film is complete. We are on to the post-production as I mentioned earlier. Awesome. बॉनी, एक आखिरी सवाल, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है? नेवर माइंड अ हिट और अ फ्लॉप। ऑनेस्ट जवाब दूं? जी। मेरी अपनी फेवरेट प्रेम थी। अच्छा। नॉट बिकॉज ऑफ द लेबर दैट वी पुट इन, बट यू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट फिल्म गेव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन, एंड आई समहाउ फील that was the best attempt any filmmaker can think of putting in. Matlab udhar mere jigar ka tukda hai wo picture. We had about 14-15 outdoors for that film. Tremendous amount of effort was put in, not by me alone, by everybody. And that's one film jo script stage pe mujhe sunai gayi thi. मैंने और मेरी टीम ने पूरी ऑनेस्टी से कोशिश की कि वही चीज़ को हम पर्दे पे लाएं, और मैं समझता हूँ कि इससे बेटर इंटरप्रिटेशन उस स्क्रिप्ट का करना मुश्किल है किसी के लिए भी। और क्योंकि मैं खुद ही अपने आप का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, तो कई बार मैंने अपने आप को शाबाशी भी दी थी जब वो फिल्म बन रही थी और फिल्म जब पूरी हो गई I was immensely satisfied. हाँ, कुछ खामियाँ ज़रूर मुझे भी दिखाई दी थी, बट ओवरऑल इट
still remains my favorite film.